आप सभी ने सुना होगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जीवन में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना मछली के लिए पानी और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन। आज की जो कहानी है वो लक्ष्य पे दृष्टि और मन में आत्मविश्वास से थोड़ा रिलेटेड है। तो 4 जुलाई 1952 एक ऐसा दिन जब एक इतिहास बनने जा रहा था। और सोचिए कि आपकी आंखों के सामने जब एक इतिहास बन रहा हो तो वहाँ का दृश्य कैसा होगा। ठंड में भी भाई साहब गर्म कर देने वाली घटना है ये। फिर नाम था फ्लोरेंस चैडविक, एक स्विमर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर चुकी थी वो। वहां पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अब किसकी बारी थी? अब बारी थी एक नया इतिहास रचने की। कड़ाके की ठंड और समुद्र में ऐसी जगह तैरना जहां पे शार्कों का भी खतरा हो। सोचिए आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन फ्लोरेंस चैडविक ठंड को, कड़कड़ाती हुई ठंड को चीर कर आगे बढ़ने वाली महिला फ्लोरेंस चैडविक कैटलिना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनने जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कड़ाके की ठंड और शरीर को जमा देने वाली ठंड, ठंडे पानी को चीर कर वो आगे बढ़ रही थी अपने सपने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हार मान ली। वो एक ऐसा इतिहास रचने जा रही थी जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उस वक्त से पहले जो कभी नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ उनका एक डिसीजन उस इतिहास, उस सपने को चकनाचूर कर दिया। पता है क्यों? उन्होंने बताया कि उनको वो उस वक्त जहाँ पे थी जब वो तैर रही थी वहाँ से उनको ज़मीन का एक अंश भी नहीं दिख रहा था और उनको अपनी मंजिल जो है वो बहुत दूर लग रही थी। वो वहाँ से हार बांध के बाहर आई। जहाँ पर वो थी वहाँ से जो उनकी मंजिल थी ना भाई साहब, वो सिर्फ आधा मील की दूरी पर था। लेकिन उन्हें हार मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिट्टी का, उनको उनकी ज़मीन का एक अंश भी नहीं दिख रहा था। और बाद में उनको जानकर ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्हें बोला, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि अगर मुझे उस ज़मीन का एक छोटा सा भी अंश दिख जाता तो मैं कसम से तैर कर पार कर जाती। लेकिन उनको उनकी मंजिल दिख नहीं रही थी इसलिए उन्होंने हार मान लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक समय आया, फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर कैटलिना चैनल को पार किया तैरकर। इस बार पहले से भी ज़्यादा कड़ाकेदार ठंड, पहले से भी ज़्यादा खतरा, रूह को कपकपा देने वाली सर्दी और वो ठंड पानी, इस बार वो पार कर गई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बार उस मिट्टी के अंश को नहीं देखा, अपनी मंजिल को नहीं देखा, अपनी मंजिल को उन्होंने यहाँ पर बचा के रखा था और इस बार वो अपने लक्ष्य को जीत गई। और इस बार बहुत ही बड़े अंतर से, महिला ही नहीं, उस वक्त पिछली बार तो वो महिलाओं में इतिहास रचने जा रही थी, इस बार उन्होंने पुरुषों के विभाग में भी इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों से भी 2 घंटे पहले में तैर कर इस कैटलिना चैनल को पार कर गई वो, और फिर रच दिया एक बहुत बड़ा इतिहास। कैसे? दृढ़ संकल्प, लक्ष्य को अपने मन की दृष्टि से देखा, आंखों की दृष्टि से नहीं। आंखों की दृष्टि से देखती तो इस बार भी हार जाती और संकल्प धरा का धरा रह जाता। इस बार उन्होंने संकल्प लिया कि ना ना ना, मन की दृष्टि से देखना है और फिर तैर करके पार कर जाना है। और हुआ वही, बन गया इतिहास। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी जो आपको सबसे अच्छी शिक्षा देती है ना, वो ये है कि कभी भी हार मत मानिए।
पता है आप सभी लोगों ने ये फील किया होगा कि कभी कभी आप अपने लक्ष्य से बहुत ही पास होते हैं, तब आप वहाँ से हार मान लेते हैं, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है अरे यार सिर्फ एक कदम ही तो दूर थे, काश चल जाते तो आज आप कहाँ होते। इसलिए इस बारे में तो सोचना ही नहीं है कि अरे यार दिख नहीं रहा है, लक्ष्य नहीं दिख रहा है, बड़ी दूर है, ऐसा वैसा। बहाने आप अपने लिए बना सकते हैं, बहाने आप दूसरों के लिए बना सकते हैं, लेकिन अपने मन के लिए कैसे बहाने? आपको तो अंदर से तो पता ही है यार ये गलत हो रहा है, और इसीलिए लक्ष्य को मन की दृष्टि से भेजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।